जी हाँ, तीसरा वनडे यहाँ शुरू होने जा रहा है। इंडियन फैंस एक्चुअली खुश हैं कि ये सीरीज का एंड हो रहा है, लेकिन आप इस सीरीज का इंपॉर्टेंस जिम्बाब्वे के फैंस और जिम्बाब्वे की टीम से पूछे। जब आप दुनिया के सबसे बड़ी टीम होते हैं और जब आप किसी छोटे देश के सामने जाके खेलते हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये साल का सबसे बड़ा मोमेंट होता है, ये उनके क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा मोमेंट होता है नए प्लेयर्स के लिए। तो आई थिंक जिम्बाब्वे के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी हम तीसरा वनडे का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। प्रेडिक्शन से पहले मैं बता दूं, मोस्टली इंडिया जीतने ही वाला है, बट सवाल ये है कि क्या जिम्बाब्वे फाइट बैक देगा। इस बार जिम्बाब्वे का टेल्स आता, मैं जीता तो बैटिंग लूंगा। हाँ, जिम्बाब्वे ने जीत लिया है और मुझे लगा ही था, पता है आज बैटिंग के मूड से था फर्स्ट में। हाँ, दे तो बात अलग है। जी, बैटिंग मिल गई है, कान चाहे ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ लिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा, मतलब क्या फाइटबैक देगा, मतलब माई मेन बात फाइटबैक की, क्या जिम्बाब्वे फाइटबैक देगा। स्टेडियम बदला लग रहा है। यस भाई, हमने थोड़ा सा अलग किया है सेटअप, बाकी लेट्स सी। लाइक गोल 2022 का है, प्लीज़ अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करना। स्टेडियम शिखर धवन, इजी चार्म जी नहीं, मैदान काफी तगड़ा है, 3 रन देगा, स्पिन फुल लगा दी है, 4 के लिए नहीं, अरे बॉलर पे आउट हो सकते हैं, 3 रन। टीम सिचुएशन, हर बार 120 से 130 के बीच में स्कोर होता है, आज 124, विकेट 4 गिर गई, मैं मानता हूँ ज्यादा गिर गई, 4 नहीं गिरनी थी। जोंगवे 3 ले गए, हुडा 4 और सैमसन 7 पे, 7 गेंदों में 4, दीपक हुडा अबीट मुयार बनी के सामने, विकेट बचाना भी प्रायोरिटी लिस्ट में काफी टॉप पे है। रन अगर 6 के चलेगा, 5 भी चलेगा रन रेट से। ऑफ साइड पर ही नहीं, इस बार लेग साइड, बट हम फिर से बीट, कमाल का पेस आ रहा है, बॉडी के करीब, स्टंप्स के भी नज़दीक, लेकिन इस बार बढ़िया फील्डिंग ने रोका है, 4 चला गया था, नहीं रोकते तो। जो सैमसन बैकफुट, रहने दो, डाइविंग एफर्ट था, अभी भी ले सकते थे, अरे रे रे रे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, 3 बार हाँ ना चला। मन तो ये भी कह रहा है कि भैया आप ले लो एक लॉप्टेड, ओवर थ्रो का बिग चांस है, और वही हुआ जिसका डर था, ओवर थ्रो के 4 अगर मिल जाते हैं, जी हाँ, कीपर ने लगा दी थी डाइव, पहुंच नहीं पाए, होल्ड नहीं कर पाए, और बाय के दे दिए हैं 4, और एक तो दौड़ा ही था। दीपक हुडा फ्लिक शॉट, गैप इस बार 4 मिले तो मतलब है इन दी एंड फाइनल सफलता, तो मैं 4 से जज करने वाला हूँ इस गेंद की, जो कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया, 3 ही रन है, फील्डिंग काफ़ी सही है। आई बॉडी पे हेड, ग्लव्स पे हेड, 1 रन, राइट पे एडवांस की इच्छा है, भाई गड़बड़ कर दी क्या, आई इनसाइड आउटसाइड एज, एडवांस किया था, 2 के लिए दौड़ेंगे, रनिंग का इतनी डाउन लग रही है सैमसन की। आखिरी गेंद वही 5-6 5-6 वाला फंडा है, एडवांस लेते हुए अब बीट कराते हुए फील्डर को, अगर अग्रेशन वाली बटन दबाते लॉप्टेड वाली तो शायद और बेहतर जाता। यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लैट चौका लगा है, बट भला है कि फील्डर की तरफ नहीं गया, ये गैप में था, ऑफसाइड, कैच नहीं, ओके, निकल गई है कीपर के सर के ऊपर से, हम सिंगल थोड़ा लेट हैं, बट निकालते हुए ओवर थ्रो भी हुआ है, कंफ्यूजन, कीपर को थ्रो था, कीपर ने पकड़ा नहीं, 17 गेंदें 12 रन, गैप शॉट 4 के लिए बढ़ता हुआ, गति काफ़ी कम हो गई है, रेस कौन जीतेगा, गेंद जीतती हुई, फील्डर भी धीरे थे इस कारण से भी गया है 4। ओ ये क्या एंगल था भाई, मैं तो डिफेंस कर रहा था फ्रंट फुट, अरे रे 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 रे, 24 ओवर में विकेट गंवा दी, 1 विकेट हुडा आउट, सर्वाइवल पे इंडिया के भाई बिग क्वेश्चन मार्क है अभी के हिसाब से, यहाँ से सर्वाइवल सिर्फ मुश्किल ही होने वाला है, सिंगल पहली गेंद पे, इतने बेहतर फील्डिंग नहीं मिलेगी, पूरा लेग साइड ओपन है, लॉफ्टेड शॉट, दम नहीं है शॉट में, बट किसी तरह से चला जाएगा 4, क्योंकि फील्डिंग में कमी है, आसान है फील्डिंग, बस एक चीज़ वो थोड़ी सही कर रहे हैं कि एंगल ऑफ साइड का रख रहे हैं, वो अगर हल्का भी मिडल लेग रखा तो फिर और बढ़ा जाएगा। 4 रन नंबर 2, भले एक भी चौके नहीं आते चलता, बट विकेट नहीं खोनी थी, ये सच्चाई है। तीसरी बाउंड्री, खराब फील्डिंग इंडिया के फेवर में, जोंगवे सबसे सफल गेंदबाज, बट यहाँ इनकी स्ट्रेटेजी फ्लॉप हुई है, 4th भी 4 जाएगा, चला गया, अंत में थोड़ा डाउट हुआ था बट चली गई, ठीक है, इन पर फील्डिंग चेंज, हम श्योर थे क्रॉस गेंद है, चलो अच्छा है, वेट करके खेल रहे थे क्योंकि निशाना बहुत सही मारना था, डीप में फील्डर था मिड विकेट पे, लेग बैक आई,
मेरी इच्छा यहाँ पे पूरी कर दी है, 8 विकेट जरूर गिर गए 283 पे। रियल में इतनी खराब हालत नहीं होगी, बट अभी हम टिके हुए हैं, ये काफी है। कुलदीप और प्रसिद्ध खेल रहे हैं, कुलदीप यादव रजा के सामने, मिडल पे गेंद आती हुई। अभी देखो भाई, मैं तेज खेलना चाहूंगा तो भी मुश्किल है खेल पाना। स्ट्रेट, ओ बॉल कीपर पे दे दिए थ्रो, बच गए, क्लोज बना दिया था। स्ट्रेट लॉक्टेड लिया जा सकता है, बट इनसाइड एच, एक रन। यादव जैसा मौका नहीं है भाई किसी के पास। आई भाई पछाड़ पछाड़ कर डाल रहे हैं राजा। जोंगवे सबसे सफल खिलाड़ी थे, और ये कैच आउट हो सकता था, कवर के ऊपर काफी लंबा फ्लैट शॉट था, वन बाउंस गया डीप में। क्रिकेट की बात करें, मैं चाहता हूँ इंडिया 321 से 331 करे, स्लोअर गेम। एक बड़ा हिट, चार नामुमकिन है रोक पाना, पूरा स्लॉट ही खाली है स्ट्रेट में। पिछला ओवर 8 और ये ओवर में कैच, तो आखिरी गेंद पर कुलदीप आउट हो गए। स्लोअर गेंद थी ये, 126 का पेस था, इससे पहले बार जो मुझे स्लोअर लगा था 130 था, तो उससे भी कम डाल दिया था। यॉर्कर लेंथ दी थी, हम स्ट्रेट खेल रहे थे, ऊंचा चला गया गेंद, जो कवर का पोजीशन था वहां से फील्डर आ गए और एक आसान कैच करते हुए एक बड़ा झटका इंडिया को। अब लास्ट विकेट बचा है, लेट्स सी 331 हो पाते हैं या नहीं। अभी के लिए यादव आउट 24 पे। विकेट का टेंशन तो है ही यार, वो तो रहने ही वाला है, गैप बन गया है, बट यॉर्कर लेंथ गेंद थी, 2 रन दे रही है, 3 के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ गए हैं, वापसी का मौका है नहीं। बढ़िया रनिंग रजा, जिन्होंने अभी अभी कैच, बहुत ही ओए फिजिक्स कमाल करती हुई, बैट पे लगी है भाई, कहाँ अपील हो रही है। यॉर्कर, अरे बच गए डॉट। जोंगवे 5 विकेट हॉल के काफी करीब, आई एडवांस, गलत शॉट, पॉइंट पे लो, कृष्णा पे निगाहें सभी की, फाइनली एडवांस का मौका और ये लगा है 6। पिछली बार मिस कर दिया था, एक्चुअली पिछली बार मैं थर्ड मैन के करीब चला गया था, इस बार फाइनली पॉइंट को टारगेट किया है और एडवांस 6। ये देखिए एंगल कमाल का है, तो 14 हो चुके हैं, थोड़े से रन और। बाउंसर धीरे पड़ गए शॉट लेने में, बीट हो गए। 5 विकेट हॉल तो नहीं ले पाए, बट शॉट को रिपीट करना चाहूँगा मैं। अरे यार ऑफ साइड दे दी है, अपील होगी तो नहीं, ठीक है पकड़ा ही नहीं इन्होंने, डॉट गया गेम, ओवर थ्रो भी हो गया है और मैंने दौड़ा दिए रन, कीपर पे आउट, बॉलर पे आउट हो सकते थे। नहीं, एक रन और लेना चाहता हूँ, नहीं बहुत गड़बड़ हो रही है। 321 ग्राउंड शॉट, आई हेलीकॉप्टर भी, 331 कहा था मैंने, अरे यार 321 ही बना है भाई। देखो ओवरऑल तो मैं खुश नहीं कहूँगा, इंडिया बैटिंग कर रहा था, फर्स्ट 321 बिल्कुल भी नहीं चाहता था, 331 तो जिम्बाब्वे मारता है, तो मेरी कुछ ऐसी 58 हाईएस्ट रहा है, उसी के कारण आई थिंक आप समझ पाएंगे कि बड़ा स्कोर क्यों नहीं खड़ा कर पाया 50 ओवर खेलने के बावजूद। अक्षर टॉप पर आए हैं, वो भी आ रहे हैं कैया और मरुमानी, इनोसेंट काया और मरुमानी ओपनिंग के रूप में, ओपनर के रूप में, और सामना करेंगे कृष्णा का। स्विच पे जहाँ जिम्बाब्वे ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेट्स से इंडियन गेंदबाज क्या करते हैं, डॉट से शुरुआत, बहुत सही। 103 पे 6 खेलते हुए रजा, जो अच्छा खेले थे लास्ट टाइम, और जोंगवे जिन्होंने आज अच्छा खेला है गेंदबाजी में, विकेट में आप देख सकते हैं बटी हुई है विकेट के साथ। मैं चाहता हूँ 1 विकेट मिले इस बार भी। कैच क्रॉस यार, रन आउट। जान में जान आ गई भाई। देखो एक रूल है इस गेम का, अगर अपील हो रहा है तो आउट है, सैमसन ने अपील की है तो आउट है। एक बार स्लो मोशन में देख लेते हैं कितनी दूरी से आउट है, दिखाओ, ये आउट, गॉन, फर्स्ट बॉल पे विकेट। जिम्बाब्वे नहीं जीतने वाला भाई मैच ये, भले वो रन आउट के कारण हुई है गड़बड़, बट गड़बड़ तो गड़बड़ है, ऊपर से रजा आउट हो गए। मसा काटजा लेट कट, रन दौड़ते तो मजा आती, एक रन नहीं, डॉट। जोंगवे बैक फुट पर, गैप नहीं जान देना है, डॉट, बहुत अच्छा। अब जिम्बाब्वे विकेट के मूड में है नहीं लेने देने के, तो निकालनी पड़ेगी आपको विकेट, बहुत डिफेंसिव खेल रहा है। यॉर्कर गुड लेंथ पर रिएक्शन देख लिया है, बाउंसर शॉट पिच की बारी है, कीपर तक गई अगेन लेग साइड पर, एक रन के लिए। यॉर्कर फ्लिक कैच,
ओ ये क्या था, तो झुका भी नहीं फील्डर, मतलब चलो रोकने के लिए कैच ना सही बट कोई रिएक्शन ही दिया, खराब खराब रही है, खराब भाई एटीट्यूड है ये। पांच ओवर देखो खेलने वाला, मतलब खेल तो जाएगा। ए रन आउट, कम ऑन यार, स्लाइड मार दिए कर बॉटम डॉट, ये तो कॉमन हो गया। और मैं ये भी बता दूं ये 25 ओवर तो खेल जाएगा जिम्बाब्वे में, बट 45 नहीं टिकने वाला। स्लोअर बीट, स्टंप्स पे बीट कराएं तो मजा आए, ऑफसाइड पे तो यार होना ही है ना। ओ इनसाइड एज, आउटसाइड सॉरी आउटसाइड एज, स्टंप्स बच गए, कीपर तक फिर गई है। यहाँ पे बाउंसर आती हुई, हाँ झेलते हुए पेटों पर, अपने पेट पे, पेटों पे तो नहीं एक ही पेट है। टर्नेट 8 की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस है नहीं उसके सामने, और होना भी नहीं चाहिए कि देंगे रिस्पांस तो आउट हो जाएंगे। एक और विकेट, डॉट खेलते हुए इस वक्त, अच्छी फील्डिंग। इस गेम में यॉर्कर पे कुछ ज़्यादा अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए मैं यॉर्कर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। पैरों पे लगते हुए पंजे पे बहुत जोर से लगी होगी, बट रिएक्शन नहीं दिया है। लेग बाय के लिए रन दौड़ें, एक स्क्वायर डीप है तो मोस्टली वहीं जा सकती है। बॉटम एज गया इस बार, एक रन थर्ड मैन पे तो लगा हूँ भैया यॉर्कर में ही। फिर एक बार मिड विकेट पे जाता हूँ, सेम यही शॉट लग रहा है, फ्रंट फुट पुश करते हैं, उछल जाती है मिड विकेट तक। एल जोंगवे, फिर वही मिड विकेट। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ ये एक्चुअली 5-6 बार जा चुका है गेंद इधर, आइडियल रखने की कोशिश दोनों, फिर वही। तीन यार ये सामने वाला, मतलब AI जो है हमारा इंडिया का, बार बार कृष्णा को ओवर दे रहा था। मैं स्पिनर लाया हूँ, एक ओवर तो बनता है स्पिनर का, ट्राई तो करें। ओही पहला ही चिपका है पैरों पे, नहीं नहीं वो ऑफसाइड इंपैक्ट डॉट। मैं मानता हूँ सही थी पिछली गेंद जिस तरह से बैकफुट पुश किया, और इस बार बीट सेम बैकफुट पुश बट कनेक्ट नहीं किया बैट। धीरे धीरे और अंदर ले आए गेंद, बट इस बार करेगा मुझे पता था। अरे बहुत रेयरली मिस होते हैं जब स्टंप पे होती है ना गेंद, जब LB का चांस होता है या बोल्ड का, तब खेल ही जाते हैं आड़ा टेढ़ा। और देखते देखते आखिरी गेंद आता हुआ सेशन का, जो मोस्टली आखिरी गेंद होने भी वाला है इस पूरे मैच का भी, जिसको पॉइंट पे स्क्वायर कट खेला है जोंगवे ने और एक रन निकाला है। 117-116 पे 7 जिम्बाब्वे। पता था मैं 10 ओवर उटोप्ले किया था उसमें भी ऑल आउट हो गया। दीपक चहर मैन ऑफ द मैच ले जाते हुए 154 पे रुक गया जिम्बाब्वे। अब फाइनली मेरा जो प्रेडिक्शन है ना वो सही ढंग से आता हुआ मतलब जैसा रियल लाइफ से मिलता जुलता है। अब आज रात को मैं दिल से चाहूँगा कि इंडिया, आज रात को क्या, दोपहर में चाहूँगा कि दिल से कि इंडिया पहली बैटिंग करें, थोड़े से रन बनाए, सबको 50 ओवर खेलने का मौका मिले, फिर तो घर ही आना है, एशिया कप जाना है। तो सही है यार, खेल लो एक बार, बैटिंग जम के कर लो, बॉलर्स को मिल गया है मौका इनफ। बधाई हो इंडिया को 3-0 के वाइट वॉश, जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, 3 बजे की स्ट्रीम में मुलाकात होगी अगर स्ट्रीम होगा तो। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड डे।